हेलो सर, आप देख रहे हैं आपके गुरु चैनल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पाटलिपुत्र सीट के बारे में। दोस्तों आखिर पाटलिपुत्र सीट में क्या एग्जिट पोल है, आखिर कौन यहाँ से जीत रहा है, कौन हारते हुए नज़र आ रहा है, किसके पक्ष में जो ये सीट आ रही है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पर राम कृपाल यादव मौजूदा सांसद और जो है इस बार जो फिर से उन्होंने उनको जो है बीजेपी ने टिकट दिया था वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद जो मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ी। और वहीं पे दोस्तों AIMIM जो पार्टी है दोस्तों फारूक राजा को टिकट दिया दोस्तों। और भी कई प्रत्याशी यहाँ पे थे और ये तीन प्रत्याशी जो है दोस्तों काफ़ी टक्कर दिखाई, खास करके दो प्रत्याशी में जो है काफ़ी टक्कर की लड़ाई जो है इस बार जो है पाटलिपुत्र सीट पर हुआ है। मगर दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों जो है फारूक राजा जो थे मुस्लिम वोट काटने में सक्षम रहे, AIM के प्रत्याशी थे और वो जो है मुस्लिम वोट जो है काटने में सक्षम रहे दोस्तों। अब जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये सीट जो है राम कृपाल यादव के पक्ष में आते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों मोदी प्रधानमंत्री मोदी जो है पटना में दो दो बार आए थे, रोड शो भी किया था एक बार और जो एक बार जो जनसभा भी किया था, उसके बाद से जो है दोस्तों इस बार जो है फिर से राम कृपाल यादव यहां से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। मगर दोस्तों ये काफ़ी अंतर से जीत यहां पे नहीं होगा, क्योंकि अब काफ़ी टक्कर की लड़ाई हुई है तो कुछ ज़्यादा वोटों से यहां पे जीत नहीं होगा। फिर भी दोस्तों जो है यहां पे जो है लड़ाई जो है काफ़ी टक्कर की थी। बाकी जो ओरिजिनल रिजल्ट होगा दोस्तों 4 तारीख को पता चलेगा आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एग्जिट पोल है, यहाँ से दोस्तों राम कृपाल यादव जो है जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका क्या मानना जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।